दोस्तों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर का दिन है। मैं खुद नगर निगम में पार्षद हूं, लेकिन हमारे सभी पार्षद साथी ताराचंद जी वगैरह, मनोज जी वगैरह, ये सब है, आशीष जी कोटारी हैं, वेणी राम जी सालवी हैं, ये पार्टी का आदमी हैं, ये युष्ट जी कुमावत पूर्व सभापति महापौर सब यही जा शमशान घाट में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन खुशी की बात इसलिए है कि ये सोनिका जी हमारे पास पार्षद है, विधि समिति के अध्यक्ष है युष्ट जी भाई साहब। तो ये देखो आप इनको माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और ये इधर शिल्पा जी भी है। कुल मिलाकर बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। था भी बीजेपी का कार्यकर्ता तो आओ तो सही। हाँ पार्टी का कार्यकर्ता की वजह पार्षद बनिया। तो युष्ट जी भाई साहब, ये सोनिका जी भी अच्छी बोलती है, ये मुकेश जी भी है, शिल्पा जी है, मैं खुद भी हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है। तो एक वो कोई गाना है आज, क्योंकि सोनी जी का बर्थडे, सोनिका जी की, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनिका जी, हैप्पी बर्थडे। कुल मिलाकर ये हम भी इस दुपट्टे के हाथ लगा रहते हैं युष्ट जी के साथ में, कारण के बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे आदरणीय शांतिलाल जी बैसा कट गया, शांति जी बैसा हटाओ। ये देखो शांतिलाल जी चपलोत साहब, हमारे आदरणीय जनसंघ के जमाने के और विधानसभा के अध्यक्ष, हमके इनके आशीर्वाद से हम सब लोग चल रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, ये आपकी बेटी है, पार्षद है हमारे साथ, दो शब्द शुभकामनाएं। इनको अनेक अनेक शुभकामनाएं, पार्टी का, परिवार का, सबका गौरव बढ़े, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्मदिन की, आज महात्मा शास्त्री जी का भी, सॉरी, दोनों का, महात्मा जी को भी और आज लाल बहादुर शास्त्री जी को, इनको भी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अशोकनगर शमशान घाट की जहाँ बात करें, ये हमारे आदरणीय युष्ट जी कुमावत, क्योंकि हम सब लोग जानते थे, ये जब सभापति थे नगर निगम उदयपुर के, सब लोगों ने पूरा उदयपुर शहर जानता है कि खाली 2 या 3 पतेड़े हुआ करते थे अशोकनगर शमशान घाट में पहले। लेकिन बाद में जितने भी शमशान हैं, चाहे वो बोली बोई के हो, तेली के हो, धोबी के हो, छत्तीसी कौम के शमशान, जब हम बारिश होती थी ना तो उस लाश को जलाने में बड़ी दुविधा होती थी हम सब लोगों को, सब समाजजनों को। लेकिन युष्ट जी कुमावत जब सभापति थे, पूरे अशोकनगर शमशान घाट में इन्होंने पतेड़े लगाए। आज भी हम सब जब देखते हैं तो ये युष्ट जी कुमावत हमारे तो मित्र हैं, सीनियर। खुशी इसलिए होती है कि हमारा दोस्त कोई सभापति होता, जनहित का इतना बढ़िया काम करता, तो आज 20 साल 25 साल बाद भी हम खुश हैं। आदरणीय भाई साहब, आप कुछ दो शब्द आशीर्वाद के लिए कहें। और हमारा नगर निगम कालन के ये सब पार्षद खड़े हुए इधर, ये मनोहर जी पार्षद, ये सब पार्षद है, इधर सोनिका जी पार्षद, ये पार्षद, वो पार्षद, वो पार्षद, ये सब पार्षद है जो फोटो में दिख रहे हैं। आप हमको क्या सुझाव देंगे कि आपकी तरह हमारा भी नाम हो इस उदयपुर में? वैसे तो 23 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस ने नगर पालिका और स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनाव को रोक रखा था। नगर निगम चलती थी प्रशासकीय अधिकारी के माध्यम से, लेकिन प्रशासकीय अधिकारियों का सीधा जनता से जुड़ाव नहीं होने की वजह से कई कामों की उपेक्षा होती थी। सौभाग्य से 94 में पहला वोट बना और 99 में हमारा वाला वोट बना, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते निगम पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कायम है। खाली मेरा ही नहीं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता से कि हमारे सामने पहला वोट किरण जी माहेश्वरी का आया था। किरण जी की माहेश्वरी के उस समय के कार्यकाल में 49 करोड़ रुपए के 5 साल में काम हुआ।
उसके बाद दूसरा वोट जब मेरा वाला आया उसमें हमने 5 साल में 65 करोड़ रुपए के काम कराए। फिर उसके बाद रविंद्र जी शिमाली का कार्यकाल आया, मेरे से डबल से भी ज्यादा 171 करोड़ के काम नगर परिषद में रविंद्र जी शिमाली जी के टाइम में हुए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब